So hello everyone, good evening. My name is Joshit Singh and welcome to GridUp India's largest live learning platform. I welcome you all in this session of Froude's Model Law, and please quickly join the session. Fatafat se, please tell me if I'm audible and visible to each one of you, everybody. Am I audible and visible? Bata do bhai, please bata do, jaldi bata do. Hey Akta, good evening, kaisi hain aap? Sab badhiya, sab mazay mein? बढ़िया. तो ये फ्राउड्स मॉडल लॉ ही क्यों स्पेसिफिकली, राइट? रेनॉल्ड्स भी तो हो सकता था, मैक भी हो सकता था, आइलर भी हो सकता था, बट रेनॉल्ड्स, ये फ्राउड्स ही क्यों चूज किया हम लोगों ने आज का डिस्कशन के लिए, मैं वो भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी. सो हाय महेश, पहले हाय हेलो कर लेते हैं थोड़ा सा. हाय जिग्नेश, नवीन, कैसे हैं आप लोग? हाय कल्याण, अच्छे हैं, मजे में सब लोग? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कैसा जा रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स, समझ आ रहा है अच्छे से? बढ़िया, समझ आना चाहिए, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. चलो, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्त फ्राउड्स मॉडल लॉ के बारे में, ठीक है. एंड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, अगर आप पुराने हो चुके हैं, हमारे साथ रोज आते हैं, तो आपको पता ही है सेशन कैसा जाने वाला है, तो आप वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर सकते हैं. शेयर करना है तो शेयर कर देना यार, वैसे करते तो हो नहीं, तो कोई दिक्कत भी है नहीं, मत करो, ठीक है. अपन फुल पावर के साथ फ्राउड्स मॉडल लॉ पढ़ेंगे जम करके, ठीक है. ओके, सो हाय श्वेता एंड हाय रूपाली, हाय शरद, कैसे हैं आप? एंड गिरधारी, गुड इवनिंग. यशस्विनी, गुड इवनिंग. वरिषा, गुड इवनिंग. गाइस, सब बढ़िया है ना, मजे में सब? हे वेंकटा, हाउ आर यू? परफेक्ट. तो जो लोग आज मुझे पहली बार देख रहे हैं और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं एक बार फटाफट से इंट्रोडक्शन दे देता हूं अपना, राइट. चलिए, काइट क्वेश्चन डिसीजन सर. हाँ, आई हैव द क्वेश्चन, डोंट वरी, मैंने रखा है उसको लास्ट में, ठीक है. हम उसको डिस्कस करेंगे आज. एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा मैं आज के लिए, और इसको मैं डिस्कस भी करूंगा काइट वाले को, डोंट वरी. मुझे याद है नवीन, थैंक यू याद दिलाने के लिए एक बार भी. चलिए, तो एक बार इंट्रोडक्शन हो जाए बहुत तेजी के साथ. सो गाइज, माई नेम इज जोशित सिंह, आई हैव 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, आई एम एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की. माई स्पेशलाइजेशन ऑफ एमटेक इज हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, यही अपना फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलॉजी, थोड़ा बहुत इरिगेशन का पार्ट, बहुत थोड़ा बहुत. एंड आई एम गेट मल्टीपल टाइम्स क्वालिफाइड, एंड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज आर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. प्रणाम रजत जी, कैसे हैं आप? हे अभिषेक, हे सोनालिका, हे चक्रा, हाय वरुण, हाय सोनू, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो चलो शुरू करें आज का सेशन. गाइज, इफ यू आर रेडी फॉर दिस अमेजिंग सेशन, कैन आई हैव अ हार्ट साइन इन द कॉमेंट बॉक्स? जस्ट एवरीबडी सेंड मी अ हार्ट साइन इन द कॉमेंट बॉक्स. And let's begin this beautiful session on Froude's Model Law. Okay? Hi Kavita, कैसे हैं आप? बढ़िया, nice. चलिए, तो इससे पहले कि मैं आपको मॉडल लॉ के बारे में बताऊं स्पेसिफिकली, हाय रजत, कैसे हैं? स्पेसिफिकली मैं आपको फ्राउड्स मॉडल लॉ के बारे में बताऊं, मुझे आपको पहले एक चीज समझानी पड़ेगी कि किसी भी बहुत बड़े स्ट्रक्चर की या किसी भी बहुत बड़े कोई भी मशीनरी को बनाने से पहले हम उसका एक छोटू सा वर्जन बनाते हैं, ठीक है. जैसे मान लीजिए बुर्ज खलीफा हो गया, राइट, उसकी जो बिल्डिंग होगी, या ट्विन टावर हो गए, या कोई भी बिल्डिंग ले लीजिए, कोई भी डैम ले लीजिए, राइट, कोई भी रिजर्वायर ले लीजिए, उसको बनाने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब ये बनेगा इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस आने वाले हैं, उस हिसाब से मैं मटेरियल यूज करूंगा और उस हिसाब से मैं अपने डिजाइन के ऊपर काम करना शुरू करूंगा. अब मुझे ये पता है इतने फोर्सेस आ रहे हैं, मुझे ये पता है इस डायरेक्शन से फोर्सेस आएंगे, मुझे ये पता है कि ये मटेरियल इस पर्टिकुलर फोर्स को रेजिस्ट कर जाएगा, पर क्या मैं गारंटी से कह सकता हूं ऐसा होगा? नहीं कह सकता. उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक बड़े से स्ट्रक्चर के लिए एक छोटू सा मॉडल मैं बनाऊंगा. और यह बिल्कुल जरूरी नहीं है, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक बड़े से स्ट्रक्चर के लिए छोटा सा मॉडल बनाया जाए, एक छोटू से स्ट्रक्चर के लिए एक बड़ा सा मॉडल भी बनाया जाता है, जैसे कि कार्बोरेटर का एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ठीक है. उसके सारे कंपोनेंट्स को समझने के लिए, उसकी वर्किंग को समझने के लिए, और किस तरह से कैसे चीजें काम करेंगी, कौन सा आपका जो पुली है या लिवर है वो किस तरह काम करेगा, वो सारी चीजें जो होती हैं आपके मॉडल और प्रोटोटाइप से समझ आता है. अब जो भी आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, या तो आप कोई बड़ा स्ट्रक्चर है या बहुत छोटू सा स्ट्रक्चर है, उसको आप आज से बोलेंगे प्रोटोटाइप,
और जो आपका छोटू सा स्ट्रक्चर है या उसका बड़ा रिप्रेजेंटेशन है, मैं कहूंगा उसका रेप्लिका है, दूसरे साइज में उसका रेप्लिका है, उसको हम आज से मॉडल बोलेंगे। क्या समझा हम लोगों ने? यहां पे हमारे सामने दो चीजें हैं, एक हो जाएगा प्रोटोटाइप और दूसरा हो जाएगा मॉडल। ठीक है, प्रोटोटाइप किस तरह से एक्ट करेगा एग्जिस्टिंग फोर्सेस की कंडीशन में, उसको समझने के लिए मैंने बनाया एक मॉडल, और ये चैप्टर उसी मॉडल के बारे में होने वाला है। ठीक है, अब कोई भी एक मॉडल मैं कैसे कह सकता हूं, मैं कैसे कह सकता हूं कि ये मॉडल मुझे एग्जैक्टली वही फील देगा, एग्जैक्टली ये वही रिजल्ट देगा जो इसका प्रोटोटाइप है वो देने वाला है। मैं कैसे ये मान लूं कि ये मॉडल जो है बिल्कुल सही है, राइट? उसके लिए मुझे ध्यान रखना पड़ता है कुछ सिमिलैरिटीज का। अब वो कौन कौन सी सिमिलैरिटीज होती हैं? देखिए, एक होती है सबसे पहले आपका ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। तो अब ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी क्या है? ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी होता है जब आपके मॉडल और आपके प्रोटोटाइप दोनों में जो लीनियर डायमेंशन है वो आइडेंटिकल हो जाए, वो सिमिलर हो जाए। मतलब क्या? मतलब क्या, ध्यान से समझेंगे यहां पे। गुड इवनिंग रागिनी एंड तन्मय। तो इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, मान लीजिए कि लेंथ ऑफ मॉडल एल एम है, मान लीजिए ब्रेथ ऑफ मॉडल बी एम है, मान लीजिए डायमीटर ऑफ मॉडल डी एम है, मान लीजिए एरिया ऑफ मॉडल ए एम है, मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ मॉडल कितना है एम है, मान लीजिए। सिमिलरली जो आपका मेन स्ट्रक्चर होने वाला है उसकी लेंथ एल पी यानी कि प्रोटोटाइप, BP उसकी ब्रेथ होने वाली है, डाया उसका P होने वाला है, एरिया उसका AP होने वाला है, वॉल्यूम उसका VP होने वाला है। अब क्या है ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी? ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी कहती है, ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी कहती है कि LP by LM should be equals to BP by BM should be equals to dp by dm। कोई एक भी इनमें से अगर सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम ये बोलेंगे कि ये ज्योमेट्रिकली सिमिलर है ही नहीं। ज्योमेट्रिक सिमिलर नहीं है तो ये रिजल्ट कैसे सिमिलर देगा? ठीक है, और इसको आप लोग बोल सकते हो dp by dm या bp by bm, या मतलब लीनियर डायमेंशन के रेशियो को, किन दो के रेशियो को? लीनियर डायमेंशन ऑफ प्रोटोटाइप डिवाइड बाय लीनियर डायमेंशन ऑफ मॉडल को हम बोल सकते हैं लेंथ स्केल रेशियो, लेंथ स्केल रेशियो। ठीक है, इसको हम एल सबस्क्रिप्ट आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि पी ऊपर रहेगा या एम ऊपर रहेगा, तो हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि जैसे प्रधानमंत्री है उससे याद रख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर से याद रख सकते हो पी ऊपर एम नीचे, पापा मम्मी से याद रख सकते हो कि थोड़ा पापा का दबदबा ज्यादा होता है, कुछ फैमिलीज मम्मी का भी होता है बट जनरली जो होता है वो पापा का ही रहता है, किसी का भी रहा हमको क्या। ठीक है, तो फादर जो है थोड़ा हायर अथॉरिटी तो ऊपर वाली पोजीशन पे, मम्मी उसके बाद, फिर उसके नीचे घर के सर्वेंट वगैरह आ गए, फिर हमारी बारी आती है। मेरे यहाँ तो ऐसा ही है भाई, मम्मी पापा मम्मी आती हैं, फिर मेरा बड़ा भाई आता है, फिर छोटा भाई आता है, फिर कुक आता है, फिर मेरा बच्चा जो है वो लूडो वो आता है, फिर मेरी बारी आती है भाई, ये इज्जत है। ठीक है, तो याद रखना आपको कि पी ऊपर है एम नीचे है, ठीक है, नहीं तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, सही है क्या? सो हाय 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 रामगिरी एंड प्रीति, कैसे आप लोग? तो ये तो हो गया हम लोगों का, कौन सी सिमिलैरिटी? ये होगी हमारी ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी। समझ आया क्या, फील आया क्या अभी तक का जो भी मैंने बोला उसमें? फील आया क्या अभी तक जो भी बोला उसमें आप लोगों को? फुल पावर के साथ, बेहतरीन बेहतरीन भाई, ऐसा नहीं, बहुत इज्जत है घर में, तो ऐसे वैसे मत समझना। हाँ जी, फिर आता है हमारे पास दूसरी तरह की सिमिलैरिटी जो होती है हमारे पास काइनेमैटिक सिमिलैरिटी। मैं आपके लिए चीजें बहुत आसान बनाने वाला हूं बट मुझे उससे पहले थोड़ा सा जिस्ट देना पड़ेगा हर एक चीज का, तभी फील जो है ज्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, तो काइनेमैटिक सिमिलैरिटी में क्या होता है कि किसी भी करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे आपकी जो भी रेशियो है, किसकी, वेलोसिटी की या एक्सेलरेशन की, वो आपका जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। यहां पे लीनियर डायमेंशन था, यहां पे लीनियर डायमेंशन था, यहां पे आपके पास वेलोसिटी एक्सेलरेशन, मतलब आपका जितना भी ना मोशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको आप कंसिडर कर लेते हो यहां पे। ठीक है, फोर्सेस को नहीं कंसिडर कर रहे हैं, फोर्सेस करेंगे डायनेमिक सिमिलैरिटी में, अभी हम सिर्फ मोशन को कंसिडर करते हैं। काइनेमैटिक क्या होता है? काइनेमैटिक में हम मोशन को कंसिडर करते हैं, डायनेमिक क्या होता है? मोशन के साथ साथ जिस फोर्स के कारण वो होता है मोशन, उस फोर्स को भी कंसिडर करते हैं। समझ आया आप लोगों को इतना सा? राइट,
हे गुड इवनिंग शरणदीप एंड हाय श्वेता, कैसे हैं आप? समझ आए इतना तो बहुत सही। मान लीजिए किसी एक पॉइंट वन पे वेलोसिटी जो है एयर की या कोई भी फ्लूड होगा वहां पर मॉडल पे, वो वीपी वन है। मान लीजिए पॉइंट टू पे वीपी टू है। मान लीजिए एक्सेलरेशन पॉइंट वन पे एपी वन है। मान लीजिए प्रोटोटाइप में किसी पॉइंट टू पे एक्सेलरेशन पी टू है। इसी के करस्पॉन्डिंग में वी एम वन, वी एम टू, ए एम वन, ए एम टू ले लेता हूं। तो हमारा जो वीपी वन ओवर वी एम वन इज इक्वल्स टू वीपी टू ओवर वी एम टू होना चाहिए। और इस रेशियो को मैं क्या बोलूंगा, ये रेशियो कहलाएगा वेलोसिटी स्केल रेशियो। ये रेशियो कहलाएगा वेलोसिटी स्केल रेशियो या फिर वी आर, वी सबस्क्रिप्ट आर। इसी तरह से अगर आप एक्सेलरेशन कंसिडर करते हो तो किसी एक पॉइंट पे मॉडल में, किसी एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूड डिवाइड बाय सेम उसी पॉइंट पे मॉडल में एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होना चाहिए। किसी दूसरे पॉइंट पे प्रोटोटाइप में एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूड सिमिलरली बिल्कुल उसी जगह पे सेम पॉइंट पे मॉडल में भी, मॉडल में भी आपकी एक्सेलरेशन ये बराबर होनी चाहिए। तो जब ये रेशियो बराबर होगा मैं कहूंगा ये तो काइनेमैटिकली सिमिलर है, मतलब ये काइनेमैटिक सिमिलैरिटी शो करते हैं और इसको हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन स्केल रेशियो। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, मेन मुद्दा जो है वो आने वाला है, उसमें मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको सिर्फ और सिर्फ काम की चीज बताऊंगा उसमें। समझ आ गया इतना? इतना समझ आ गया? कोई और डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? प्लीज एक बार बता दीजिए अगर है तो बेस्ट है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर डायनेमिक सिमिलैरिटी। भैया इसमें तो आपको जो भी फोर्सेस हैं उनको इक्वेट कर देना है, मतलब उनका रेशियो जो है ले लेना है, और दैट इज इट, एंड दैट इज इट। ठीक है, तो डायनेमिक सिमिलैरिटी जब भी आती है तो हमारे पास अलग अलग फोर्सेस होते हैं, जैसे कि इनर्शिया फोर्स होता है प्रोटोटाइप में, या फिर विस्कस फोर्सेस होते हैं प्रोटोटाइप पे, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं प्रोटोटाइप पे। ठीक है, वैसे ही आपके जो है मॉडल में भी होंगे, मॉडल पे ये वाला विस्कस ऑन मॉडल, सिमिलरली ग्रेविटेशनल ऑन मॉडल। तो इन सब का भी रेशियो जो है एफ आई और प्रोटोटाइप शुड डिवाइडेड बाय एफ आई ऑफ एम शुड बी इक्वल्स टू एफ जी इन पी, एफ जी इन एम शुड बी इक्वल्स टू एफ वी ओवर एफ वी पी एंड एम। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें चलती हैं। ठीक है, ये होगी डायनेमिक सिमिलैरिटी। अब यहां पे जो मुद्दा आता है दोस्त, वो आता है आपके टाइप ऑफ फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं किसी भी एक मूविंग लिक्विड में। ये जानना जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन आए हुए हैं कि कौन से फोर्स से या कौन से डायमेंशनलेस नंबर से हमें कौन सी चीज फाइंड आउट करने में हेल्प आउट होता है। क्या आप मुझे कुछ डायमेंशनलेस नंबर का एग्जाम्पल देना चाहेंगे? सब लोग फटाफट से चैट बॉक्स भर दो, जितने भी डायमेंशनलेस नंबर आप जानते हो मुझे प्लीज आप चैट बॉक्स में बता दीजिए। सभी लोग कम ऑन एवरीवन। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कोई भी टेक्निकल डाउट होता है आप ग्रेड अप ऐप पे जाकर के मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन कोई भी अगर जनरल डाउट है, नॉन टेक्निकल डाउट है, या कोई आपको सजेशन चाहिए या एडवाइस चाहिए, या मुझसे आप डायरेक्ट बात करना चाहते हो ऑन टेक्स्ट वगैरह, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं जवाब पक्का से दे दूं टाइम रहते। किस नाम से मिलूंगा मैं आपको वहां पे? जोशित सिंह के नाम से मिलूंगा। ठीक है, अपनी क्लास की जितनी भी अपडेट्स हैं मैं वहां पे देता रहता हूँ, और जितना हो सकता है प्रोडक्टिव चीज़ें भी मैं वहां पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ। कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट मैं नहीं दूंगा, मतलब गेट से रिलेटेड नहीं दूंगा, साइकोलॉजिकल चीज़ों से रिलेटेड मैं देता रहता हूँ, क्योंकि आई लाइक रीडिंग साइकोलॉजिकल पेपर्स, रिसर्च पेपर्स। सैड है सीन यहाँ तक, फुल पावर के साथ सभी लोग का। यस वेरी गुड लहारी, वेरी गुड एकता, श्वेता, तन्मय, रजत, वरिषा, रूपाली, बहुत बढ़िया यार, बहुत बेहतरीन। चलो मैं यहां पे फटाफट से लिख देता हूं दोस्त। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं इनर्शिया फोर्स की, क्या होता है इनर्शिया फोर्स? मास इंटू एक्सेलरेशन। चलिए यहां पे मैं मास को लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी होती है रो, वॉल्यूम को मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको फंडामेंटल डायमेंशन यूज करता हूं यहां पे। तो फंडामेंटल डायमेंशन जो होती है लीनियर किसी भी डायमेंशन के लिए वो एल होता है, मास के लिए एम होता है, टाइम के लिए टी होता है। मैं यहां पे एल ले लेता हूं, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एल क्यूब हो जाएगा, ये तो हो गया मास। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम होता है, सही बात है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एल स्क्वायर एल बाय टी इंटू वी? बिल्कुल लिख सकता हूं। ये मीटर पर सेकंड क्या हो जाता है? मीटर पर सेकंड हो जाता है आपका वेलोसिटी केवल, तो रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, ये हो गया आपका इनर्शिया फोर्स, ये हो गया आपका इनर्शिया फोर्स। फिर हम बात करेंगे विस्कस फोर्स की। दोस्त ये याद रखना बहुत बहुत काम की चीज है आपके,
ठीक है, कभी भूलोगे नहीं, बस एक बार यहां पे समझने वाली चीज है। विस्कस फोर्सेस जो होते हैं वो कैसे निकलेंगे, शियर स्ट्रेस इंटू एरिया, शियर स्ट्रेस इंटू एरिया। अब शियर स्ट्रेस कैसे निकलता है, विस्कस विस्कोसिटी की वजह से जो शियर स्ट्रेस आता है उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है न्यूटन का विस्कस विस्कोसिटी वाला लॉ, जो कहता है क्या, दैट टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डीयू बाय डीवाई। तो म्यू डीयू क्या है, वेलोसिटी तो है, एंड डीवाई क्या है, लेंथ ही तो है, ठीक है, एल स्क्वायर, यहां से आ गया म्यू वी एल, कौन, विस्कस फोर्स। इसके बाद आता है आपका प्रेशर फोर्स, तो प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा सर, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, तो पी इंटू एल स्क्वायर। एल यहां पे फंडामेंटल डायमेंशन है लीनियर डायमेंशन की, मैं जाऊंगा यहां से ताकि हमें और जगह मिल जाए। ये हो जाएगा नेक्स्ट ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल क्या होता है सर, एम जी, तो एम को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। और लास्ट जो होता है हमारा, दैट इज सरफेस टेंशन, दैट इज सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन कितना होता है, सिग्मा एल, यही होता है, ठीक है, सिग्मा इंटू एल। अब बात करते हैं हम लोग सारे के सारे डायमेंशनलेस नंबर की, डायमेंशनलेस नंबर क्या होता है, इन्हीं सारे फोर्सेस का रेशियो होता है और कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, हम बात कर लेते हैं रेनॉल्ड्स के बारे में, रेनॉल्ड्स सबसे ज्यादा सुना हुआ है आप लोगों ने, तो सबसे पहले मैं रेनॉल्ड्स के बारे में बता दूं आपको। तो रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है सर, वो होता है किसका रेशियो, रेनॉल्ड्स नंबर रेशियो होता है आपके इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स का। इनर्शिया फोर्स क्या था, ये था रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, तो रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, और विस्कस फोर्सेस क्या थे, म्यू वी एल, म्यू वी एल, यहां से मुझे कितना आ गया, रो वी एल बाय म्यू, यही तो होता है ना रेनॉल्ड्स नंबर, राइट। लेकिन मुद्दा वो नहीं था, मुद्दा ये था इसको बताने का, मुद्दा इसको बताने का ये था मुझे कि रेनॉल्ड्स नंबर किस किस कंडीशन में सिग्निफिकेंस रखता है, यानी कि सिग्निफिकेंट होता है। तो जब भी कहीं पे आपके पास विस्कस फोर्सेस का इंपैक्ट आ रहा है तो आप वहां पे कहोगे कि रेनॉल्ड्स नंबर यहां पे ज्यादा फायदेमंद होगा यूज करना, ठीक है। जैसे कि आपका पाइप फ्लो हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी एक शिप सबमरीन हो गई, पानी के नीचे चल रही है, तो विस्कस फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो वहां पे आप रेनॉल्ड्स नंबर यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो आता है आपके सामने, जो बहुत यूज होता है आपके लिए, दैट इज योर फ्राउड्स नंबर, दैट इज योर फ्राउड्स नंबर। फ्राउड्स नंबर किसका रेशियो है सर, बताएंगे सब लोग, फ्राउड्स नंबर आपका रेशियो होता है इनर्शिया और ग्रेविटेशनल फोर्स का, इसमें बस अंडर रूट और आ जाता है। तो इनर्शिया फोर्स कितना था, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, ग्रेविटेशनल कितना था, मैं यहां से दिखा दूंगा, ग्रेविटेशनल था आपका रो एल क्यूब जी, रो एल क्यूब जी। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये आ जाता है हमारे पास वी अपॉन अंडर रूट एल जी। फॉर्मूले से मतलब नहीं है, मतलब इस चीज से है कि फ्राउड्स नंबर अपना सिग्निफिकेंस कब रखता है। तो फ्राउड्स नंबर सिग्निफिकेंस तब रखता है जब हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज्यादा कह सकते हो आप डोमिनेंट है। जैसा कि अगर आप देखोगे तो होता है ओपन चैनल फ्लो के केस में, राइट। ओपन चैनल फ्लो में क्या होता है, क्या प्रेशर की वजह से फ्लो होता है पानी, नहीं, वहां पे होता है क्योंकि आपके पास स्लोप दी होती है, और स्लोप होने के कारण, और स्लोप होने के कारण पानी का जो वेट होता है उसका एक कंपोनेंट आगे की तरफ भी होता है, जिस कारण से हमारा फ्लो होता रहता है, और वो कंपोनेंट जो होता है वो वेट की वजह से होता है। वेट क्या होता है, मास इनटू जी। तो इसीलिए वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है इन कंपैरिजन टू अदर फोर्सेस। तीसरा जो आता है हमारे पास वो होता है आयलर नंबर, मैं फिर जाऊंगा ताकि हमारे पास ज्यादा जगह हो जाए। आयलर नंबर किसका रेशियो होता है सर, आयलर नंबर होता है इनर्शिया बाय प्रेशर फोर्स। तो जहां पे भी प्रेशर फोर्स का सिग्निफिकेंस ज्यादा होगा वहां पे हम लोग आयलर को यूज कर सकते हैं हमारे कंप्यूटेशन के लिए। ये हो जाएगा वी अपॉन पी बाय रो। तीसरा होता है हमारे चौथा होता है हमारे पास वेबर नंबर। वेबर नंबर किसका होता है, वेबर नंबर आपका होता है इनर्शिया और आपके सरफेस टेंशन का, इनर्शिया एंड आपके सरफेस टेंशन का गाइस, ठीक है। ये हो गया रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, सिग्मा एल, ठीक है, अंडर रूट कर दो इसको, राइट, इसको अंडर रूट कर दो। यहां से हमारे पास आ जाता है वी अपॉन अंडर रूट सिग्मा ओवर एल रो। सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन है। और लास्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मैक नंबर, इज द मैक नंबर। मैक नंबर होता है हम लोगों का एफ इनर्शिया एंड हमारा फोर्स ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी जो होता है, ठीक है, या इलास्टिक फोर्सेस भी आप इसको बोल सकते हो। ये होता है रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर के एल स्क्वायर। फाइनली यहां से जो एक्सप्रेशन आएगा दैट वुड बी वी अपॉन अंडर रूट के बाय रो, ठीक है। तो ये होते हैं हम लोग के सारे
डायमेंशनलेस नंबर, इसका जो एप्लीकेशन होता है मैक नंबर का वो रहता है कंप्रेशन फ्लोज में, क्योंकि देखो कंप्रेशन वाला मैंने फोर्स कंसिडर किया है, या एरोप्लेन में, या आपके प्रोजेक्टाइल थ्रू एयर एट सुपरसोनिक स्पीड, उसमें ये ज्यादा फायदेमंद रहता है। उसके बाद वेबर नंबर कहां होता है, इसमें सरफेस टेंशन आ रहा है, तो जहां कहीं भी सरफेस टेंशन की ज्यादा प्रीडोमिनेंस होती है वहां पे, तो अगर आप देखोगे किसी भी कैपिलरी एक्शन में, जो कैपिलरी एक्शन होता है वो सरफेस टेंशन के कारण से ही होता है, राइट। एक दिन मैं बहुत इंटरेस्टिंग सी क्लास आपके लिए रखूंगा सरफेस टेंशन की। अब एक्चुअली ये वाले जितने भी क्लासेस है ना, ये फोकस करते हैं आपको मार्क्स दिलाने के लिए गेट में, राइट। बट मैं जिस हिसाब से पढ़ाना चाहता हूं ना आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, वो है कि आपको मजा है। तो अभी दुनिया थोड़ी सी वैसी नहीं रही है, दुनिया सेल्फिश हो गई है, सबको नंबर चाहिए, कोई मजा नहीं करना चाहता, राइट। तो फिर भी आई ट्राई कि मैं आपके लिए ऐसे सेशन लेके आऊं फ्लूइड मैकेनिक्स के, जैसे सरफेस टेंशन में आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा हर एक चीज की, कैसे होता है, क्यों होता है, मतलब याद नहीं करना, याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी चीजों को, ठीक है। लेकिन हाँ, ये है, टाइम टेकिंग होगा, मजा पूरा पूरा आएगा, इंजॉय आप करोगे, इंटरेस्ट बन जाएगा आपका कि फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब सबसे सही चीज होती है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा एक सब्जेक्ट है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में जो सबसे ब्यूटीफुल है और सबसे ज्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है रखता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ अलग हो। चलिए, यहां तक समझ आ गया सब लोगों को, यहां तक समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास मॉडल लॉ, या कह लो सिमिलैरिटी लॉ। अब इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि अलग अलग तरीके के, अलग अलग तरीके के सिचुएशन में, अलग अलग तरीके के सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया विस्कस फोर्सेस जैसे ज्यादा है, राइट, विस्कस फोर्सेस ज्यादा है, तो विस्कस फोर्सेस ज्यादा होने के कारण मैं रेनॉल्ड्स नंबर यूज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, रेनॉल्ड्स नंबर हमारे मॉडल के लिए और रेनॉल्ड्स नंबर हमारे प्रोटोटाइप के लिए, इनको इक्वेट कर दिया। इस पर ज्यादा सवाल नहीं है, ज्यादा सवाल है हमारे, इसको बोलेंगे रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, ज्यादा सवाल है हमारे फ्राउड्स मॉडल लॉ के ऊपर प्रीवियस ईयर के। जितने भी क्वेश्चन है मैं सारे लेके आया हूं आपके लिए फ्राउड्स मॉडल लॉ पे, आज तक जो पूछे गए हैं 80-85% क्वेश्चन जो है डायमेंशनल एनालिसिस में, वो फ्राउड्स मॉडल लॉ से ही आए हैं। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं फंसाऊंगा फालतू की डेरिवेशन में या ऐसा कुछ जिसमें आपको प्रॉब्लम आए समझने में, बट मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन देता हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप चाहो तो मैं बहुत खुशी खुशी आपको डेरिवेशन भी दे दूंगा, बहुत छोटू छोटू सी है, अगर आप चाहोगे तो फटाफट से जो जो चाहते हैं डेरिवेशन भी मिल जाए वो हार्ड साइन भेजेंगे, जो चाहते हैं सस्ते में काम निपटा करके डायरेक्ट एक्सप्रेशन दे दूं तो वो भी आप फटाफट से बताएंगे। बट मैं सजेस्ट करूंगा देख लेते हैं डेरिवेशन, थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है, बहुत मजा आएगा समझने में, चिंता मत करो, बोर नहीं होने दूंगा बीच में। सो प्लीज यूज इंग्लिश ऑल्सो, आई एम सो सॉरी लहरी, एक्चुअली दिस पर्टिकुलर यू आर आर ओल्ड स्टूडेंट, सो आई एम टेलिंग यू दिस, this particular channel is based on Hindi and you can say those students, we are targeting those students who understand both the languages, right? So because on Grid Up Gate channel we only speak English, so most of the students who don't get English, matlab because we talk so fast there, sometimes it happens that student don't get it, so for those students we have started this channel. So I'm really sorry, in this channel I won't be able to speak in English throughout. Maybe in between I can, but not throughout. Okay. Sorry for that. चलो, तो Froude's model law में क्या करना है दोस्त, वही कहानी यार, बहुत सिंपल है। Froude's number of model equals to Froude's number of prototype. ये आपको ना बार बार ना करना पड़े, इसलिए मैं एक बार कर करके आपको बता दूंगा, ठीक है, सुना लेगा। दो बार हार्ड साइन भेजने से दो वोट काउंट नहीं होंगे, ठीक है, एक ही बार भेजो एक वोट काउंट हो जाएगा आपका, राइट। दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर, ओके श्वेता, आई होप यू आर एंजॉयिंग द क्लास, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस गाइस, सो जस्ट वी आर कंसीडरिंग ऑब्वियसली व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ फ्राउड्स मॉडल लॉ, गाइस फ्राउड्स मॉडल लॉ क्या था, फ्राउड्स मॉडल आपका मतलब सॉरी फ्राउड्स नंबर क्या था, फ्राउड्स नंबर था आपका वी ऑफ मॉडल अंडर रूट जी of model L of model should be equals to V of prototype, right? Under root G of prototype and L of prototype. अब एक बात बताइए आप मुझे भैया, acceleration due to gravity जो है that is G, वो तो दोनों के लिए same होगी ना, ऐसा थोड़ी ना है कि एक चांद पर है और एक यहाँ पे है, समझ आ रहा है ना, दोनों अर्थ पे ही हैं, दोनों पे सेम G लगने वाला है, तो GM is equals to GP ही है, हटा दें इसको, हटा भी दिया मैंने,
चलिए अब नेक्स्ट क्या बचा हमारे पास, केवल बच गया वी एम अंडर रूट एल एम इक्वल्स टू वी पी अंडर रूट एल पी। ध्यान से समझते जाओ, फिर मैं आपको एक ओवरऑल चीज बताऊंगा कि इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, झट से आएगा आंसर। ठीक है, इंग्लिश रिविजन सीरीज में कब स्टार्ट करें गेट सर फ्लूड मैकेनिक्स, इंग्लिश रिविजन सीरीज में कब स्टार्ट करूंगा फ्लूड मैके, चल रहा है फ्लूड मैकेनिक्स, कल ही स्टार्ट किया है जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, इट इज ऑलरेडी गोइंग ऑन राइट। ओके सो हाउ मच दिस विल बी, लेट्स टेक एवरीथिंग हियर, सो वी एम बाय वी पी, वी एम बाय वी पी एल एम बाय अंडर रूट एल पी, ऐसे होगा ना, शुड बी इक्वल्स टू वन ओनली राइट, शुड बी इक्वल्स टू वन ओनली राइट। ओके सो कैन आई से इट विल बी वी पी ओवर वी एम अंडर रूट एल पी ओवर एल एम, कैन आई से दिस दैट वी पी ओवर वी एम विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट एल पी ओवर एल एम, कैन आई से दिस एवरी वन। ओके गाइज वॉट इज एल पी ओवर एल एम, कहीं देखा लग रहा है, डेजा वू आया किसी को, किसी को तो आया होगा दोस्त, कहीं तो देखा है लीनियर डायमेंशन का रेशियो को, हम कुछ तो बोलते थे, क्या बोलते थे, हम बोलते थे लेंथ स्केल रेशियो, वो भी अंडर रूट में। यहां से मेरे पास एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन आ गया फ्राउड्स मॉडल लॉ का, मतलब मैं देखूंगा अपने क्वेश्चन को पढ़ करके कि क्या फ्राउड्स मॉडल लॉ इसमें रेलेवेंस रखेगा, और अगर रेलेवेंट होगा तो मुझे अगर वेलोसिटी दी होगी मॉडल की या प्रोटोटाइप की, और मुझे स्केल रेशियो दिया होगा, ऐसे दिया होगा जैसे 1 in 50, तो ये 50 क्या है, एलआर है, तो मैं डायरेक्टली आंसर निकाल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा कि वी पी बाय वी एम जो होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एल आर, इसको प्लीज याद रखना है, भूलना नहीं। वेरी गुड यार, मतलब कैसे इतना याद रख लेते हो, इंप्रेसिव, लिटरली इंप्रेसिव, नाइस। अच्छा इसके अलावा, इसके अलावा एक और चीज देख लेते हैं हम लोग, इसके अलावा एक और चीज देख लेते हैं हम लोग। हाँ जी बस एक सेकेंड रुकना यार, पानी पी लूँ। ये तो हो गया अगर वेलोसिटी दी है और वेलोसिटी पूछी है मॉडल की या प्रोटोटाइप की, ठीक है, और स्केल रेशियो दिया रहेगा एग्जाम में, क्वेश्चन में। दूसरा होता है अगर आपको एक्सेलरेशन पूछा या निकालना हो, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन स्केल रेशियो क्या था सर, प्रोटोटाइप का एक्सेलरेशन डिवाइड बाय मॉडल का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है, ये होता है वी बाय टी ऑफ प्रोटोटाइप, और ये होता है आपका वी बाय टी ऑफ मॉडल, ठीक है। तो ये हो सकता है, हम इसको बोल सकते हैं वी पी ओवर वी एम, ठीक है, इंटू टी एम ओवर टी पी, कूल कूल। तो वी पी ओवर वी एम, अभी अभी देखा, अभी अभी देखा, कितना, अंडर रूट एल आर, अंडर रूट एल आर, अंडर रूट एल आर। और ये टी एम बाई टी पी क्या होता है, ये बेसिकली टी पी बाई टी एम जो होता है ना, ये भी अंडर रूट एल आर ही होता है, ठीक है, ये भी अंडर रूट एल आर होता है, इसका अलग कहानी है। टी पी बाई टी एम भी एल आर होता है, अंडर रूट। तो ये हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट एल आर, वन अपॉन अंडर रूट एल आर, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन स्केल रेशियो कितना आ रहा है, ये तो वन आ रहा है, ये तो वन आ रहा है राइट। वन का मतलब क्या हुआ कि जितना एक्सेलरेशन मॉडल में रहेगा सेम उतना ही आपके प्रोटोटाइप में भी रहने वाला है, सही बात है। एपी बाय एएम जो है वन आ गया, तो एपी इज इक्वल्स टू एएम, मतलब एक्सेलरेशन जो है मेरा यहां पे भी उतना ही होगा जितना प्रोटोटाइप में भी उतना होगा जितना मॉडल में होगा, इतना सा समझ आ गई बात, बेहतरीन। मैं सबको समराइज करूंगा इसलिए मैं डिलीट कर दिया, डोंट वरी। तीसरी चीज जो हम देखने वाले हैं दैट इज फॉर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू एवरेज वेलोसिटी। तो फिर वही कहानी है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है एल स्क्वायर, वेलोसिटी क्या होता है एल बाय टी होता है, ये कितना हो गया एल क्यूब बाय टी हो गया, बहुत बढ़िया। तो डिस्चार्ज रेशियो कितना हो जाएगा सर, ओके डिस्चार्ज रेशियो कितना हो जाएगा सर, तो डिस्चार्ज रेशियो हो जाएगा हमारे पास, डिस्चार्ज रेशियो हो जाएगा हमारे पास क्यू पी ओवर क्यू एम, क्यू पी ओवर क्यू एम मतलब क्या, एल क्यू पी अपॉन टी पी इंटू इंटू टी एम अपॉन एल एम क्यूब, यही होगा, यही होगा, ठीक है। तो एल पी बाय एल एम तो मुझे पहले से पता है, एल पी बाय एल एम कितना होता है अंडर रूट आर, एल पी बाय एल एम अंडर रूट आर, ब्रिलियंट विजय एंड वेंकट राइट, अंडर रूट आर। तो अंडर रूट एल आर रेस टू द पावर थ्री राइट, रेस टू द पावर थ्री राइट, राइट राइट और नॉट, डिड आई मेड समथिंग रॉन्ग, ओ सॉरी दैट्स नॉट अंडर रूट एल आर, दैट वॉज वेलोसिटी, सॉरी इट हैपन्स। टी एम बाई टी पी आई नो दैट्स अंडर रूट आर,
अंडर रूट एल आर, ये तो पता है ठीक है, टीपी बाई टीएम तो अंडर रूट एल आर ही हो जाएगा। सो दिस विल बिकम हाउ मच, एल आर रेज टू द पावर 2.5। तो क्या समझा मैं, दैट इफ आई हैव द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज इन मॉडल एंड आई वॉन्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज इन प्रोटोटाइप, वॉट आई हैव टू डू इज आई जस्ट हैव टू टेक द स्केल, जो भी स्केल रेशियो दिया होगा, डू 2.5 ऑफ दैट एंड मल्टीप्लाई इट बाय मॉडल का डिस्चार्ज, आंसर आपके सामने 2 सेकंड के अंदर ठीक है। इसी तरह से फोर्थ जो होता है आपका, दैट वुड बी फोर्स का, राइट। तो अब देखो आइडिया तो लग गया ना आपको, अब मैं आपको क्लियरली बताता हूं एक एक चीज कि सबसे पहले मैंने देखा वेलोसिटी का स्केल रेशियो, वेलोसिटी का कितना था अंडर रूट एल आर, अंडर रूट एल आर। दूसरा मैंने देखा एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का कितना था 1। तीसरा मैंने देखा किस चीज का, डिस्चार्ज का, डिस्चार्ज कितना था एल आर रेज टू द पावर 2.5। चौथा मैं दिखा देता आप लोगों को, दैट वुड बी ऑफ फोर्स, तो फोर्स रेशियो कितना हो जाता है, दैट इज एल आर रेज टू द पावर 3। फिफ्थ, फिफ्थ इज प्रेशर इंटेंसिटी, तो प्रेशर इंटेंसिटी कितना होता है, दैट इज इक्वल टू एल आर ओनली, राइट। प्रोटोटाइप का प्रेशर डिवाइड बाय मॉडल का प्रेशर इज इक्वल टू स्केल रेशियो, 50 दिया है तो 50 सही, इनटू कर देना प्रेशर ऑफ मॉडल, प्रेशर ऑफ प्रोटोटाइप आ जाएगा, सही है क्या, सही है ना, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारे पास एक होता है किसका, वर्क का, एनर्जी का, टॉर्क का, मोमेंटम का, वर्क का, एनर्जी का, टॉर्क का, मोमेंटम का, ये देखो आता तो नहीं है बट कभी आ गया तो मैं बता दे रहा हूं, इसका स्केल रेशियो हो जाता है सर एल रेज़ टू द पावर 4। और यही अगर हम बात करते हैं पावर की, और लास्ट जो है हमारा ये है पावर, तो पावर की अगर हम बात कर लेते हैं, पी ओ आर लिख देता हूं मैं इसको, इट विल बी एल की पावर 3.5, बस दैट्स इट, दैट्स इट। नाउ यू आर गुड टू गो टू सॉल्व एनी क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड अर्लियर एंड एनी क्वेश्चन विच दे आर गोइंग टू आस्क यू इन द नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि कहां कहां पे यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर फ्राउड्स नंबर, तो जहां पे भी ओपन चैनल फ्लो होगा ना आप वहां पे यूज कर सकते हो फ्राउड्स मॉडल लॉ को, ठीक है। क्वेश्चन बताऊं मैं अभी, शुरू करें क्वेश्चंस, ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आप मुझे बताएंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, और देखते हैं चलिए कितना आपको समझ आया कितना समझ नहीं आया। बोथ रेनॉल्ड्स एंड फ्राउड्स नंबर अज्यूम सिग्निफिकेंस इन वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, कोई तो एग्जाम्पल है इन चारों में से जिसमें रेनॉल्ड्स नंबर और फ्राउड्स नंबर दोनों का ही सिग्निफिकेंस आ रहा है, तो कौन सा हो सकता है। देखो मोशन ऑफ सबमरीन तो मतलब लार्जर डेप्थ में, मतलब नीचे कहीं चल रही है, तो उसमें फ्राउड्स नंबर तो नहीं लग सकता, ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई इसमें सेंस बन नहीं रहा, जितना भी है आपका विस्कस फोर्सेस का है, हटाओ उसको। क्रूजिंग ऑफ मिसाइल, क्रूजिंग ऑफ मिसाइल इन एयर, अरे भाई साहब ये तो मैक नंबर के साइड चले गए, क्योंकि मिसाइल वगैरह जो होती हैं ये सुपरसोनिक वगैरह स्पीड से चलती हैं, सबसोनिक, सुपरसोनिक, ट्रांजिएंट, बहुत अलग अलग होते हैं, हटाओ उसको। ड्रॉपलेट फॉर्मेशन अगर हम बात करेंगे तो ड्रॉपलेट किस वजह से फॉर्म होती है, ड्रॉपलेट फॉर्म होती है हमारे सरफेस टेंशन की वजह से, तो सरफेस टेंशन जो होती है, सरफेस टेंशन जो होती है उसके लिए तो हमारे पास दूसरा नंबर है ना, रेनॉल्ड्स यूज होता है ना फ्राउड्स यूज होता है, तो बचा केवल एक, मोशन ऑफ शिप इन अ डीप सी, बिकॉज सम पार्ट ऑफ द शिप इज अंडर द वॉटर एंड सम पार्ट ऑफ द शिप इज ओवर द वॉटर, सो अंडर द वॉटर इट इज गोइंग थ्रू, इट इज एक्सपीरियंसिंग विस्कस फोर्सेज, सो रेनॉल्ड्स नंबर, एंड अबव द वॉटर, ओवर द वॉटर इट इज एक्सपीरियंसिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो हैविंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्राउड्स नंबर। मजा आया, फील आया, इसको समझा आप लोगों ने, बाकी तीन ऑप्शन भी समझे ना कि कौन कौन सा नंबर इसमें यूज हो सकता है, गजब, बस यही चाहिए था। आगे देखो ये करो सवाल, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन करो, मैं जरा चार्ट आपका ना इसमें खोलता हूं, इस वाले टैब में फटाफट से दोस्त आंसर आएगा, आंसर आएगा, कोशिश करेंगे जरूर आएगा, वॉचिंग ज्यादा है, लाइक्स कम है, सही बात नहीं है यार, आप लोग करते नहीं हो लाइक यार, क्या करूंगा, मजाक कर रहा हूं, चलो। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, 1 in 50 स्केल मॉडल बोल रखा है आपको, स्पिलवे बोल दिया, तो स्पिलवे में तो ओपन चैनल फ्लो ही है, ऑब्वियसली आपका जो प्रेशर रहता है वो एटमॉस्फेरिक रहता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फ्राउड्स नंबर लॉग जाएगा, तो 1 in 50 बोल दिया, मतलब एल आर का वैल्यू जो दिया हुआ है, स्केल रेशियो दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है। अच्छा, इज टू बी टेस्टेड इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी द डिस्चार्ज इन द मॉडल, डिस्चार्ज इन द मॉडल इज 0.3 m³/s, द डिस्चार्ज टू बी मेंटेन्ड इन द प्रोटोटाइप टेस्ट, तो भैया प्रोटोटाइप में पूछ लिया,
सर आप देखो यहां देखो, बस यहां देखो, कहीं मत देखो। डिस्चार्ज का स्केल रेशियो कितना होता है, एल आर रेस्टिव पावर 2.5। बिना सोचे समझे फुल पावर के साथ इसको अप्लाई कर दो तो क्यूपी बाय क्यू एम होता है हमारा एल आर की पावर 2.5। एल आर कितना है 50, एल आर है 50, तो 50 की पावर 2.5। क्यूपी चाहिए, क्यू एम बोला है 0.3, यहां से क्यूपी का वैल्यू आ जाएगा सर 0.3 इंटू 50 रेस टू द पावर 2.5, और ये कितना हो जाएगा, रुक जाओ, ये हो जाएगा 0.3 इंटू 50 रेज टू द पावर 2.5, सर ये हो जाएगा 5303, 5303.300859, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है वैसे, मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन डी। फील आया, फील आया कैसे अप्लाई करना था इसको, सभी लोगों को जो न्यू स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली उनको आगे, क्या पुराने वालों के साथ ट्यूनिंग बैठ जाती है ना, तो मैं थोड़ा सा अगर कम भी बताऊं तो वो ज्यादा समझ जाते हैं, बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको टाइम लगता है, तो आप प्लीज बता दो अगर कोई डाउट है छोटू सा भी, मैं रिपीट कर दूंगा पूरी की पूरी चीज आपके लिए। नहीं है, बेहतरीन, अगला सवाल देखते हैं। यही है, हाँ, लेबोरेटरी मॉडल ऑफ अ रिवर इज बिल्ट टू अ ज्योमेट्रिक स्केल ऑफ 1 in 100। बहुत बढ़िया, आगे 1 in 100 द फ्लूड यूज्ड इन द मॉडल इज ऑयल ऑफ मास डेंसिटी 900 kg/m³। द हाइएस्ट फ्लड इन द रिवर इज 10,000 m³/s। द करस्पॉन्डिंग डिस्चार्ज इन द मॉडल शैल बी। सर ये तो वही कहानी आ गई दोबारा से, तो बेसिकली मॉडल पूछा है यहां पे, तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना एंड गलत आंसर मत निकाल देना। मॉडल का पूछा है, प्रोटोटाइप का नहीं पूछा है, वैसे भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा अगर आप करने निकलोगे तो। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं, अभी अभी हमने देखा डिस्चार्ज रेशियो जो होता है दैट इज एल आर की पावर 2.5। एल आर 100 दिया हुआ है, तो 100 की पावर 2.5 ये होता है क्यूपी बाय क्यू एम, यहां पे उल्टा हिसाब है, तो मुझे चाहिए क्यू एम की वैल्यू, तो क्यू एम की वैल्यू करूंगा तो कितना हो जाएगा, क्यूपी अपॉन 100 की पावर 2.5। क्यूपी कितना है सर, ये है 10,000 आई थिंक, या 10,000, 100 की पावर 2.5, देखना जरा कितना आ रहा है, देखिए जरा कितना आ रहा है, बहुत फास्ट हो आप लोग यार, मैं तो कैलकुलेटर भी नहीं उठा पाता हूँ, आंसर दे देते हो 10,000 डिवाइड बाय 100 रेज टू द पावर 2.5, एंड सर इसका आंसर जो आ रहा है दैट इज 0.1 m³/s, विच इज ऑप्शन डी। आर यू गेटिंग द सेम आंसर और नॉट, इफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर एंड इफ नाउ यू नो कि हमने आज के सेशन का नाम फ्राउड्स मॉडल लॉ क्यों रखा था, एक बार हार्ट साइन भेज दो प्लीज, मतलब अगर समझ आ गई है चीजें अच्छे से और फॉर्मूला पुट ऑन करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है, ऐसा अगर है भेज दो बहुत तेजी के साथ। ठीक है, दो दो भेज दो, अभी कितना कितना लालची हो आप लोग, एक कौन भेजता है भाई, दो हार्ट साइन बनते हैं। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ अ हाइड्रोलिक जंप इन द स्टिलिंग पूल ऑफ 1:25 स्केल रेशियो वॉज ऑब्जर्व टू बी 10 cm। मॉडल का बोल दिया 10 cm है। करस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप हाइट ऑफ द जंप इज, करस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप हाइट, तो आपको यहां पे ये आप करो, चलो मैं आपको देता हूं टाइम, कितना दूं, मुझे स्टॉप वॉच लगाने दो। सर आपके पास है, माधवी ने दिमाग भेज दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट, आई नीड दैट बेसिकली। सो गाइज यू हैव एग्जैक्टली 30 seconds टू आंसर दिस, कम ऑन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ क्विकली, 1 second इज ऑलरेडी गॉन, कम ऑन आंसर। आप मेरे सिविल के मेंटर है पूरे सब्जेक्ट के लिए, अरे थैंक यू सो मच, बट मैं तो सिर्फ 2-3 subject ही पढ़ाता हूँ। इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एनवायरमेंट आपके लिए 12 बजे वहाँ पे अपना ग्रेडा वाली ऐप पे, तो देख लेना मंडे से स्टार्ट होगा, और कल MSQ सेशन लूंगा मैं एक 12 बजे ग्रेडअप ऐप पर, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो सभी लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो। आंसर प्लीज एवरीवन, अरे टाइम खत्म हो गया, शिट देखने भूल गया क्या टीचर बनूंगा मैं। चलो तो आपको स्केल रेशियो दिया गया है कितना, 25, राइट, और ये तो हमको पता है ये LP बाय LM होता है, हमारे पास किसकी LM की वैल्यू दी है और हमसे पूछ रहा है LP की वैल्यू, आ जाएगा आराम से आ जाएगा यार, 10 × 25 कर दो, कितना आ रहा है देखो, कितना आ रहा है देखो, ये आ रहा है 250 cm, 250 cm मतलब क्या, 2.5 m मतलब क्या, बी इज द राइट आंसर। सेट ए सीन, फुल पावर के साथ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा एक और सेशन है जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कि जो सिली मिस्टेक्स होती है ना अपनी,
टेस्ट सीरीज के टाइम पे उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। देखो भले ही टॉपिक जो है, सॉरी, भले टॉपिक जो है वो है कि सिली मिस्टेक्स कैसे कम करते हैं, बट मैं आपको टेस्ट सीरीज की एक एक चीज बताऊंगा कि आपको कैसे यूटिलाइज करना है टेस्ट सीरीज को, आप क्या करो, कैसे एनालिसिस करते हैं, क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, टेस्ट सीरीज का पर्पस क्या होना चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए, कब देना है, कब नहीं देना है, मैं सारी की सारी चीजें आपको बता दूंगा, ठीक है। और मैं बताने का मतलब होता है सजेशन दूंगा, करना आप ही ने होता है आखिरी में। आगे देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास स्केल रेशियो, फिर वही डिस्चार्ज, बार बार डिस्चार्ज का क्वेश्चन आया है, दो बार एक्सेलरेशन का भी आया है। तो एक्सेलरेशन में देखो, अगर वो बोल देता है ना कि मॉडल के एक्सेलरेशन थी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और LR की वैल्यू 50 दे दी है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक्सेलरेशन ऑफ मॉडल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो प्रोटोटाइप की कितनी होगी बताइए, तो प्रोटोटाइप की कितनी होगी बताइए एवरीवन। ये कौन है ये अभी? क्लास तो खत्म हो जाने दो, अभी से इंस्टाग्राम पे भेज दी रिक्वेस्ट, मैं देख लूंगा सर, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है, मैं बता दूंगा जो भी डाउट है आपका, सेशन के बाद बताता हूँ। ओके हाँ जी बिल्कुल सही। जब अरे हो, ये क्वेश्चन अलग है, मैंने जो पूछा है वो अलग है, इसको डाओ, अभी मैं इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, अभी मुझे इसका जवाब दो केवल। अगर स्केल रेशियो 50 दिया हुआ होगा और एक्सेलरेशन इन मॉडल बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपके प्रोटोटाइप में कितनी होने वाली है? एग्जैक्टली, प्रोटोटाइप में आपके एग्जैक्टली होने वाली है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन स्केल रेशियो था 1, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है AP बाय AM है 1। अब फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया हमारा स्केल रेशियो कितना दिया हुआ है, बस 1 है, दैट्स इट। तो AP विल बी इक्वल टू AM ऑलवेज। चलो यहां पे आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर वही कहानी है, प्रोटोटाइप का दिया हुआ है, मॉडल का पूछ रहा है, मतलब उल्टा केस है इसमें, तो फिर वही कर लेंगे हम लोग कि Q ऑफ मॉडल विल बी इक्वल टू Q ऑफ P अपॉन LR की पावर 2.5, पुट ऑल द वैल्यूज, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 50 के पावर 2.5, ये हो जाएगा 0.056 समथिंग समथिंग, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए, आ गया सभी लोगों का। चलो अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, हल्का फुल्का सा क्वेश्चन है, बट आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोग उसका सही जवाब दे दोगे, तो एकदम से ना आग लगा देना, आपके पास 30 सेकेंड्स होंगे उसको आंसर करने के लिए। तैयार हो? रेडी, फुल पावर, ब्रिलियंट। तो चलो क्वेश्चन आने वाला है ये, मैच द फॉलोइंग, देख के एकदम से खुश, वो भी आसान वाला, लेकिन ध्यान से, ठीक है। मैच द कॉलम में कभी कभी ऐसा हो जाता है आपको आंसर पता है बट बाय मिस्टेक आप ना कोई और ऑप्शन चूज कर लेते हो, तो थोड़ा सा बस कॉशियस रहना जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलो, योर टाइम हैज स्टार्टेड नाउ एंड प्लीज गिव मी द आंसर, जल्दी 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 जल्दी। मैक नंबर बोला है, रेनॉल्ड्स नंबर बोला है, वेबर नंबर बोला है, फ्राउड्स नंबर बोला है, और आपके पास बोला गया है कि सारे के सारे आपको रेशियो दिए गए हैं, तो क्या आप फटाफट से बता सकते हैं प्लीज आंसर इसका? एक बात मैं आपको बता देता हूँ, वेबर नंबर में जो हम लोगों ने नीचे डिनोमिनेटर में देखा था, वो जो था ना आपका वेबर नंबर में, नहीं सॉरी, आपके मैक नंबर में जो देखा था, ठीक है, के बाय रो जो भी था, वो आपकी वेलोसिटी ऑफ साउंड भी कहलाती है। आंसर देंगे क्या सभी लोग? चलिए मैं बताता हूँ आपको, मैक नंबर की बात करते हैं, मैक नंबर क्या था, मैक नंबर क्या था, मैक नंबर था हमारा रेशियो, किन दो चीज़ों का? हमारे पास दो चीज़ें जो थी मैक नंबर के लिए, दैट वॉज एक तो फ्लूड का वेलोसिटी हो गया बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड हो गया बेसिकली, ठीक है, फ्लूड का वेलोसिटी बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। यहाँ पे देख लो, वेबर का बता, ये मैक का बताया, ये रहा फ्लूड का वेलोसिटी, शिट मैंने डिलीट कर दिया, फ्लूड का वेलोसिटी डिवाइड बाय, अब जो भी था, अंडर रूट रो बाय एल, ठीक है, तो हो गया साउंड आपका, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ दैट इज 2। रेनॉल्ड्स नंबर की बात करते हैं, तो रेनॉल्ड्स नंबर होता है इनर्शिया और आपका विस्कस फोर्स 3। वेबर नंबर की बात करूंगा तो वो होता है आपका सरफेस टेंशन एंड दिस, तो 4। फ्राउड्स नंबर हो जाएगा ग्रेविटेशन और इनर्शिया, 2341, 2341, 2341, 2341, दिस इज करेक्ट। सेट अ सीन फुल पावर के साथ, सेट अ सीन, ब्रिलियंट। चलो अगला सवाल देखते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ स्केल रेशियो एंड द वेलोसिटी स्केल रेशियो इन हाइड्रोलिक मॉडल इन विच फ्राउड्स डायनेमिक सिमिलैरिटी इज मेंटेन्ड इज। ज्यादा आसान हो गया क्वेश्चन ये, तो प्रीवियस ईयर है ये, बताइए आंसर दीजिए, अब तो भाई आग लगा दोगे, ये सारे क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है ना सारे आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मतलब आप समझ रहे हो कि फालतू का बस एक छोटू सा कॉन्सेप्ट था,
अगर ये पता है तो आपके तुरंत 2 नंबर या 1 नंबर पक्के, हाथों हाथ बस जाना है सेंटर पे और नंबर लेके आ जाने हैं, 1 नंबर 2 नंबर जो भी जितने का भी होगा बता दीजिए सर। सभी लोग एवरीबडी, अरे यार कैसे 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 LR 1.5 बोल सकते हो भाई, अभी तो बताया मैंने सारा कुछ। हाउ यू कैन से सी, अभी नहीं बोला था मैंने वेलोसिटी रेशियो होता है अंडर रूट LR, सबसे पहली चीज यही दिखाया था, सबसे पहला चीज यही दिखाया था आपको यहां पर मैंने कि वी आर, यहां पे कहां गया यार, ये रहा, वी आर इज इक्वल टू अंडर रूट LR, यही गलत कर दिया कुछ लोगों ने, किया सबने नहीं, ब्रिलियंट। तो डी आपका सही जवाब है, सही है सेटेसीन, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। चलो जी आगे देखते हैं। हाँ जी, ये ना आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है आज का, और इसके बाद हम कल का जो होमवर्क क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग कल का क्वेश्चन देखने वाले हैं। बताइए फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम कल का क्वेश्चन देखते हैं जो हमने कल डिस्कस किया था, करना है मतलब आज हम लोग को, ठीक है। चलो तो कल का क्वेश्चन जो था वो कुछ इस तरह से था, मैं डायग्राम जो बनाया था मैंने, मैं वो भी लेता आया कि याद होना हो, है ना। तो काइट थी जो, जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स एरिया जो था वो 0.6 मीटर पर मीटर स्क्वायर था, मास उसका 0.2 kg था, ड्रैग लग रहा था उस पर विंड स्पीड की वजह से जो कि 54 किलोमीटर पर आर थी, डेंसिटी ऑफ एयर भी थी जिसमें 1.2 kg पर मीटर क्यूब भी होती है, दिया हो तो अच्छी बात, ना दिया हो तो अच्छी बात, 1.2 ही लेना आपको। फिर उसके बाद स्ट्रिंग जो है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, एंड लिफ्ट कोफिशियंट आपसे पूछा जा रहा है फॉर द काइट, तो FL पूछा है, और ये मैंने आपको दिखा दिए थे कि फोर्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, एक बार इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या कर लेते हैं कि यहां पे देखते हैं कुछ चीजों को, जैसे कि सबसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके हॉरिजॉन्टल और आपके वर्टिकल फोर्सेस को, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे बात करता हूं हमारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को, तो ड्रैग फोर्स का ऑपोजिट में कौन लग रहा है, ड्रैग फोर्स के ऑपोजिट में कौन लग रहा है, ड्रैग फोर्स के ऑपोजिट में लग रहा है टेंशन, बट टेंशन का भी कंपोनेंट होगा, कौन सा कंपोनेंट होगा, ये अगर 45 है, ये 45 है तो इसका साइन कंपोनेंट, तो T sin 45, सही बात। अगर मैं वर्टिकल को कर देता हूं तो वर्टिकल कितना हो जाएगा, W plus T cos 45, ठीक है। ड्रैग फोर्स मुझे दिया गया है क्वेश्चन में 14 न्यूटन दिया गया है, कितना 14 न्यूटन है, किलो न्यूटन होना चाहिए यार, न्यूटन क्यों दिया हुआ है, चलो देखते हैं आगे, तो 14 दिया हुआ है। इसके बाद हम इसको, किलो न्यूटन ही होगा यार, सॉरी अगर गलती हो गई हो, ठीक है, आंसर वैसे आप लोग का सही आया है, बढ़िया। हाँ जी, तो ये दिया हुआ है, इसके अलावा देखिए किलो न्यूटन तो बहुत हो जाएगा यार, देखो तो ड्रैग फोर्स आ गया अपने पास, तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं, वेलोसिटी और निकाल लेता हूं मैं, ये हो जाएगा 0.278 × 54, तो यहां से आ जाएगा सर 54 × 0.278 एंड दैट वुड बी 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डेंसिटी भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तो यहां से हम टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, टी कितना हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा सर, टी हो जाएगा sin 45 होता है 1/√2, तो टी हो जाएगा हमारे पास 14√2, 14√2 न्यूटन, न्यूटन ही है, किलो न्यूटन नहीं हो सकता, 14√2, सही बात, सही बात। तो टी का वैल्यू आ गया, चलो यहां पे पुट कर देते हैं, चलो यहां पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास FL की जगह रख देता हूं मैं हाफ CL ρ a v स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू वेट कितना हो जाएगा सर, वेट कितना हो जाएगा, आपको 0.2 kg तो बोल रखा है वेट उसका, ऑलरेडी है मास है तो ठीक है, मास इंटू कर देते हैं अपन जी, तो 0.2 × 9.81 कर दिया, प्लस हमारा जो ये था क्या कहते हैं टी की वैल्यू 14√2, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, कॉस क्या है, कॉस 45 है ना, हाँ कॉस 45, ये भी हो जाएगा आपका 1/√2। तो इसको आप सॉल्व करोगे, यहां पे डेंसिटी दी गई है आपको 1.2, मैं पुट करता हूं सारी वैल्यूज को, CL चाहिए, डेंसिटी 1.2 है, एरिया इफेक्टिव एरिया बोला गया है 0.6 ऑलरेडी क्वेश्चन में, 0.6, वेलोसिटी अभी अभी निकाली है मैंने, कितनी आ रही है 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 का स्क्वायर करूंगा, ये बचेगा 0.2 × 9.81 और ये बच जाएगा 14, बस
सिर्फ और सिर्फ एक चीज अननोन है जो कि है सी एल। क्या हम यहां से सी एल की वैल्यू निकाल सकते हैं? देख लेते हैं, 0.2 इंटू 9.81 प्लस 14 डिवाइडेड इंटू 2 भी कर देता हूं मैं यहीं पे, डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 0.6 इंटू 15 का स्क्वायर। सर आंसर आना चाहिए हम लोगों के पास 0.197, 0.197 ये होगा आपका सी एल का वैल्यू। अगर आपका भी यही आंसर आया है तो क्या आप मुझे एक हार्ट साइन भेजेंगे, क्योंकि ये आपके सेशन का लास्ट डिस्कशन था। तो दोस्त फटाफट से बताइए क्या आपको मजा आया आज के सेशन में या नहीं। इस सेशन के बाद व्हाट इज योर रिएक्शन, इज इट ए और इज इट बी? एवरीबडी प्लीज टेल मी, ए और बी। तो यहाँ पे हम खत्म हो चुका है हमारा सेशन आज का। दोस्त कल का सेशन ना बहुत मज़ेदार है, कल तो मतलब आगे लगा देंगे। कल का सेशन है आपका, मैं बताता हूँ कौन सा है कल। हाँ जी कल 7 है ना, कल हम डिस्कस करने वाले हैं 7 नवंबर, कल 7 है, कल हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजफुल 20 यूजफुल फॉर्मूला ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, तो मिस मत करना कल का क्लास, ठीक है। तो यहाँ तक सब सेट है सीन, मज़ा आ गया। चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो इंपॉर्टेंट तो है, इसी वजह से मैंने आपके लिए स्पेसिफिकली इस चीज़ के ऊपर क्लास ली है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, मैं फिर मिलूंगा आपसे कल इसी टाइम पर और विद सेम एंथुजियाज्म विद सेम एनर्जी बट डिफरेंट टॉपिक। टिल देन आपको मेरा एक काम करना होगा, एंड दैट इज प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, ड्रिंक वाटर रेगुलरली एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, एंड जस्ट प्रेप स्मार्ट, स्टे सेफ, गो ग्रिड अप। कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए, टेक्निकल मतलब ऐसा डाउट हो, क्वेश्चन वोशन, तो आप ग्रिड अप ऐप पे जाकर के मुझसे डाउट पूछ सकते हो, और या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करो पहले तो, ताकि आपको ये पीडीएफ मिल जाए। मैं अभी पीडीएफ भेज दूंगा। अभी तक फ्लूड की सारी पीडीएफ मिली है आपको? अभी तक सारी पीडीएफ मिली है ना? ब्रिलियंट। एंड देन हाँ, और अगर कोई नॉन टेक्निकल डाउट्स हैं या आप कनेक्ट होना चाहते हो मुझसे, कोई चीज़ सजेशन चाहिए हो, मोटिवेशनल इश्यूज आ रहे हो, या कोई चीज़ शेयर करनी हो, तो इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। अगर काम इंपॉर्टेंट होगा तो मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ, अगर आपका काम थोड़ी देर रुक सकता है तो जब भी मैं फ्री हूँगा मैं आपको रिप्लाई पक्का कर दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे ढूंढ सकते हैं इस नाम से, एक ही नाम है मेरा भाई, मैंने वो नहीं रखा, वो होता है ना कुछ तो उल्टा सीधा नाम, वो उतना मेरे को आता नहीं है। मिल गई ना? हाउ इज अभिनव सर? अभिनव सर इज डूइंग फाइन नाउ, तो जस्ट देयर इज समथिंग विच हैज हैपेंड, बट यू गाइस जस्ट प्रे फॉर हिम एंड एवरीथिंग इज फाइन एनीवेज, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, राइट? अंटिल अनलेस आई एम विद हिम नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू हिम, ओके ओके। सो सर OCF आप ही पढ़ाओगे ना? हाँ जी, कोई और पढ़ाए आपको चाहिए? मैं ही पढ़ाऊंगा यार, अगर आप चाहते हो मैं पढ़ाऊं तो अच्छी बात है, नहीं चाहते हो मैं पढ़ाऊं तो भी अच्छी बात है, बट आई नो यू वॉन्ट, ठीक है। तो मजे का बहुत नेक्स्ट लेवल सीन होगा हमारे ओपन चैनल फ्लो के टाइम पे, तो प्लीज डोंट मिस ओपन चैनल फ्लो वाला भी, ठीक है। व्हेन विल बी एनवायरमेंटल प्रैक्टिस सेशन स्टार्टेड? एनवायरमेंटल तो सबसे पहले ही स्टार्ट हुआ है यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैनल पे, लेकिन जो मैं लेने वाला हूँ वो इस चैनल से मतलब नहीं है उसका। मैं फ्री सीरीज शुरू करूंगा अपनी ग्रिड अप ऐप पे मंडे से, तो आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलता हूं मैं आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट एंड साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच। पीडीएफ अभी आ जाएगी आपके पास नेक्स्ट 5 मिनट्स में, थैंक यू। जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हो तो। टेक केयर।